इंचार्ज एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान अलग अलग शहर में लूट करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। हाल ही में इस गैंग ने जानसठ के एक सर्राफा व्यापारी की दुकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस गैंग ने अन्य शहर मीरापुर, बिजनौर, पलावदा, हस्तिनापुर, मवाना जैसे अन्य देहात क्षेत्र में लूट की घटना करके कोहराम मचा रखा था, जिसकी तलाश में कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी। आपको बता दें, यह गैंग इतना सक्रिय था कि एक शहर में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे शहर में जाकर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। लूट करने के बाद शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रैकी करते थे और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। हाल में ही जानसठ ने सर्राफा से लूटा हुआ माल को यह गैंग मेरठ के किला प्रतिष्ठगढ़ बंटवारा कर रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन सभी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से अलग अलग शहर में लूट किया गया सोना चांदी और नकदी बरामद की गई है। साथ ही लूटी हुई दो अपाची बाइक और सेंट्रो कार भी बरामद की है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडीजी प्रशांत कुमार ने आज खुलासा किया। मेरठ से द भारत टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से मेरठ के देहात क्षेत्र में छोटी बड़ी लूटें हो रही थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 12 जनवरी को कस्बा जानपट जानसठ मुजफ्फरनगर में खुशी ज्वेलर के यहाँ शाम को चार अभियुक्तों ने बबलू सैनी की दुकान पे जाके कुछ सोना और 7-8 किलो चांदी की लूट की। दोनों जनपदों की पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। ये गिरोह अपाचे मोटरसाइकिल, जो कि बड़ी तेज़ी से घटना करने के बाद से भागने के लिए उपयोग किया जाता है, के द्वारा घटना करता था। परीक्षितगढ़ की पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मैं ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट का माल बरामद हुआ इनके पास से, और इनके पास से दो मोटरसाइकिल और एक सेंट्रो कार भी मिली। तकनीकी तरीके से और मैनुअल इंटेलिजेंस के बेसिस पे वर्कआउट किया गया, और आपने देखा होगा कि कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों जनपदों में है, कि जैसे ही मुठभेड़ हुई यहाँ से लोग भागे हैं, वहाँ भी गिरफ्तारी तत्काल रूप से की गई और लूटा हुआ माल बरामद हुआ है। तो जो शहर के अलावा जो देहात क्षेत्र में हमारी घटनाएं हुई हैं, उनका भी अब सभी मुख्य केसेस के पर्दाफाश